आई थिंक उनके साथ रहोगे तो पता लगता है कि यार दे आर वेरी स्मार्ट पीपल. सो आई थिंक जब मैं किसी बिहारी से मिलता हूँ तो मेरे दिमाग में बस वही चलता है कि यार वो टॉप करते हैं एंड वी स्टार्ट वी कीप चेजिंग देम. हाय एवरीवन, माय नेम इज अनुज जिंदल. वेलकम टू माय चैनल. टुडे आई हैव अभिषेक विद मी, हु हैज रिसेंटली क्लियर्ड द सेबी ग्रेड ए 2020 एग्जामिनेशन. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अभिषेक, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग सेलेक्टेड दिस ईयर. आई बिलीव थैंक दिस यू सो वॉज मच. योर फर्स्ट अटेम्प्ट एट सेबी एंड यू मेड इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ. यस, सो थैंक फर्स्ट यू ऑफ सो मच सर. ऑल, कैन यू टेल द व्यूअर्स, द स्टूडेंट्स, द एस्पिरेंट्स हु आर वॉचिंग अ लिटिल बिट अबाउट योर सेल्फ सो दे हैव एन आइडिया अबाउट यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से दैट आई बिलोंग टू वेरी लाइक मिडिल क्लास फैमिली एंड आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार, अ स्मॉल village of Bihar, and from there I think I have come a long way, and I studied in government schools and till 10th, and in 12th I was in St. Javier's College Ranchi, and then from 2012 I was preparing for CA and I cleared CA in 2017. So after that I was working with EY, and after leaving, then I resigned from EY in order to prepare for government exams, because you know there is a thing that Bihari people always go for government exams. That sort of thing was there in my mind. Right. So apart from that, so the purpose of telling all these things is to just tell that you can do it. You can crack any exam, irrespective of the fact that which background you belong to. And yeah, so this was a brief intro of mine. I think Abhishek, tumne bola, you said that the people from Bihar, they have a likeness towards government examinations. I think that's also because they deserve it. You know, I have studied in a, when I was a kid, I got an opportunity to study in a school जहाँ पे सारे स्टेट से एक एक स्टूडेंट आता था. सो दैट वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ हाउ द स्कूल वॉज क्रिएटेड. ओके, सो वी हैड, बिकॉज बिहार इज अ बिग स्टेट, वी हैड टू स्टूडेंट्स फ्रॉम बिहार, और वो दोनों हमेशा टॉप करते थे. नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई, उनसे आगे निकलना पॉसिबल नहीं था. उनके आंसर्स इतने अच्छे होते थे, देयर अंडरस्टैंडिंग वॉज सो गुड, एंड दैट यूज टू हैपन इन ऑल द बैचेस. ऐसा नहीं खाली हमारे बैच में होता था. सो वो जो एक परसेप्शन है बिहारी की तरफ नेगेटिव देश में, वो आई थिंक उनके साथ रहोगे तो पता लगता है कि यार दे आर वेरी स्मार्ट पीपल. सो आई थिंक जब मैं किसी बिहारी से मिलता हूँ तो मेरे दिमाग में बस वही चलता है कि यार वो टॉप करते हैं एंड वी स्टार्ट वी कीप चेजिंग देम. चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो अभिषेक, लास्ट ईयर वी हैड द फर्स्ट वेव, एंड बिकॉज ऑफ दैट there was a lot of confusion and frustration among students. In fact, we spent months thinking ki exam kab hoga, when will the exam be held, and how do we prepare. So how did you overcome that confusion, and how did you make sure that you were preparing simultaneously all the time? Sir, preparation ke time there will be many circumstances or many phases when you will feel that what is going on, when you are so low and low confident sometimes, and ऐसा लगता है कि साला sorry ऐसा लगता है कि मतलब क्या ही हो रहा है, है ना. तो और जैसे ये इस बार कोविड की वजह से तो हर एग्जाम ही पोस्टपोन हुआ, बहुत सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हुए सारे ही, और सेबी का एग्जाम पर्टिकुलरली एक के बाद एक फिर से पोस्टपोन होता गया, दो तीन बार पोस्टपोन हुआ. सो दैट फेज वॉज वेरी लो, बट अगेन वी गैदर्ड आवर सेल्फ एंड हमारे ग्रुप में दो चार फ्रेंड्स थे हम जो सेबी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वी गैदर्ड आवर सेल्फ एंड सेड कि ओके लेट्स कंटिन्यू इट. मतलब एवरी डे वी यूज टू रीड 3-4 hours एट लीस्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस एग्जाम, एंड दैट कंटिन्यूटी वी डिडंट ब्रोक इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम बहुत लो फील कर रहे हैं. तो वो अपने आप को गैदर करके एक पर्पस की तरफ चलना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज के लिए, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, सक्सेस पाने के लिए वो कंटिन्यूटी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. यही सब दो चार फिर मोटिवेशनल वीडियोस देख देख के फिर अपने आप को गैदर किया. तो एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग,
consistency is, I think, a very underrated concept. We are so much focused on being smart, being, getting immediate results. So if I am saying that with this preparation, you can justify or you are proving that consistency is the biggest, asset that you have, how correct or incorrect am I? सर मैं मेरे को सी ए में भी लगे थे, सी ए फाइनल में 3 अटेम्प्ट लगे थे और सी ए आई पी सी सी में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था, सी पी टी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था. लेकिन जब सी ए फाइनल में अटेम्प्ट लगने शुरू हुए तो उस टाइम भी बहुत लो फेज था और यहाँ पे फिर तो सी ए फाइनल और ये सेबी मेरे को जितना भी सक्सेस मिला है, अभी छोटा मोटा जितना भी सक्सेस मिला है उसमें मैं यही और ऑब्जर्वेशन से बाकी दूसरे लोगों के भी ऑब्जर्वेशन से एक ही चीज बोलूंगा कि सक्सेस सिर्फ 3 चीजों से मिलता है इन मोर फिल्मी वे इफ यू वांट टू से, वो है कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी. क्योंकि जो हार्ड वर्क है वो अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं पीछे हो जाएगा, वही कछुए और वो खरगोश की कहानी वाली बात है. एग्जैक्टली. सो कंसिस्टेंसी रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट. रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए, चाहे जो भी काम कर रहे हैं रोज थोड़ा थोड़ा कीजिए, आप देखेंगे कि यू विल डू वंडर्स. वेरी वेल सेड. आई थिंक दैट इज द जिस्ट ऑफ द इंटरव्यू कि ये आपने अचीव कर लिया तो आप यहाँ सक्सेसफुल नहीं होंगे तो यू विल बी सक्सेसफुल एल्सवेयर. यू विल बी एग्जैक्टली राइट. सो द स्टूडेंट्स, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड हु आल्सो राइट दिस एग्जामिनेशन. यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, so you must not have faced that problem. However, if you were to put yourself in the same boots and think like an engineer, how do you think you would try and overcome or try and cover these 6 subjects? So I'll try to understand their perspective. So as an engineer, what I'll do is to read the syllabus line by line and prepare the syllabus line by line, and every word by word for what is mentioned in the advertisement, right? And after preparing all those topics covered in syllabus, I'll attempt multiple MCQs, because without MCQs, without attempting questions, your preparation is incomplete. So and with respect to the aptitude test, I'll be very confident as an engineer, because I'll be well versed, like a CA will be confident in paper 1, the same goes to engineers for paper 2. So दोनों बराबर हो जाता है, चाहे आप कॉमर्स से हो चाहे नॉन कॉमर्स से हो, क्योंकि कॉमर्स वालों को एफटी के लिए थोड़ा परेशान होता है और बाकी करंट अफेयर सबके लिए बराबर होता है. तो दोनों के लिए ही सेम लेवल प्लेइंग फील्ड है. बस ये है कि थोड़ा सा जो कॉमर्स के टर्म्स हैं उनको थोड़ा सा उनको ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे और उनको ज्यादा पूरा सिलेबस कवर करने की जरूरत नहीं, पूरा सिलेबस इन द सेंस कि पूरा कॉमर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे पूरा सीए पढ़ने की जरूरत नहीं है. दे जस्ट हैव टू रीड द सिलेबस एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू इट, दैट इज इनफ, एंड अटेम्प्ट मल्टीपल MCQs, एज मच क्वेश्चंस यू कैन डू. ठीक है, परफेक्ट. आई थिंक MCQs या फिर कोई भी आप टेस्ट लोगे तो उसकी इम्पोर्टेंस तो हमेशा रहती है, दैट इज ऑलवेज वेरी इम्पोर्टेंट. तो द स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग दिस ईयर, व्हाट वुड बी योर प्लान ऑफ एक्शन फॉर देम कि भाई कब स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, ऑल दोस थिंग्स? जो इस बार स्टार्ट कर रहे हैं उनको अगेन मैं वही रिपीट करूंगा कि सिलेबस आप देखें और सिलेबस को ही बाई हार्ट करें और उसी को प्रिपेयर करें, उसका नोट्स बना लें. अगर आप किसी बुक को रेफर कर रहे हैं तो उधर से किसी उसका शॉर्ट नोट्स बना लें और नोट्स बना के उसको री रीडिंग करें, बार बार उसको पढ़ें. जैसे मैनेजमेंट थ्योरीज हैं या फिर एचआरएम के अंदर जो थ्योरीज हैं उन थ्योरीज को नोट कर लें. उसके प्रिंसिपल्स कुछ होते हैं, 5-6 प्रिंसिपल होते हैं एक फिलोसोफर के, उसको नोट कर लें और उसी को बार बार पढ़ें. आप देखेंगे कि जो PYQs हैं अगर उसमें भी उठा के देखें तो वही प्रिंसिपल्स जो है बार बार पूछे जाते हैं उसके, कभी एक पूछ ले कभी दूसरे पूछ ले. तो कवरेज उतना ब्रॉड या फिर उतना डेप्थ नहीं करना है, ब्रॉड करना है मेरे हिसाब से, उतना डेप्थ नहीं करना है, ब्रॉड करना है. और MCQs अटेंड करें. और जहां तक टाइमिंग की बात है कि कब से स्टार्ट करें, तो जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना आपको कम हावर्स पुट करने पड़ेंगे और जितना लेट स्टार्ट करेंगे, आपको अगर फाइट देनी है, अच्छी फाइट देनी है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग
एफर्ट पुट करने पड़ेंगे. तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड स्ट्रीम टू स्ट्रीम. लाइक बैकग्राउंड ऑफ अ पर्सन, लाइक इफ अ पर्सन इंजीनियर ही शुड स्टार्ट अर्ली, और कॉमर्स वाले जैसे कोई सीए है तो ही कैन मैनेज इन शॉर्ट टाइम आल्सो. लास्ट क्वेश्चन, वी विल कीप दिस इंटरव्यू शॉर्ट एंड स्वीट. How difficult do you think was it clearing the examination? 3 saal ka break hai, 2018 to 2021. Must have been very frustrating sitting at home all the time. Yes, yes. So, what do you think about that? Sir, aaj ke time mein koi bhi government exam ki taiyari bahut difficult hai, kyunki itna competition hai. Is phase mein, to isme kya hai, isme friends bahut kaam aate hain. Ki aapke like-minded log jo aapke saath taiyari kar rahe hote hain. तो आपके फ्रेंड्स आपको कभी आप उनको पुश करते हो, कभी वो आपको पुश करते हैं. और ऐसा मैं आई एम नॉट अ पर्सन कि वो 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं. सो मैंने इतना शायद कभी नहीं पढ़ा. तो बट ये है, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, 5 घंटे 6 घंटे, लेकिन एवरेज रखते हैं उसको. 5-6 घंटे एवरेज रखते हैं. कभी आप ज्यादा भी कर लेते हैं, कभी आप कम कर लेते हैं. फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस चीज में. मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं लाइब्रेरी जाता था घर पे, क्योंकि फिर वही अकेले रहते हैं तो फ्रस्ट्रेशन भी आता है, बोर भी हो जाते हैं और सो भी जाते हैं. तो लाइब्रेरी जाता था मैं, वहाँ पे फ्रेंड्स थे और उनके साथ हमने मस्ती भी किया, पढ़ाई भी की, कंसिस्टेंसी रखा. तो काफी डिफिकल्ट था, मैं बोलूंगा डिफिकल्ट इन द सेंस कि लो फेजेस वॉज वेरी डिफिकल्ट. जब आप मोटिवेटेड रहते हो दैट इज, तो उस टाइम तो आप कर जाते हो, बट जब आप लो रहते हो तो उस टाइम पे बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होता है. अपने आप को गैदर करना है, और गवर्नमेंट एग्जाम तो गवर्नमेंट एग्जाम होता है सर. आइसोलेट नहीं करना है अपने आप को. आइसोलेट नहीं करना. बिल्कुल फ्रेंड्स के बीच में रखिए आप. आई थिंक ये बहुत बड़ी गलती है, लॉट ऑफ पीपल डू इट. आई थिंक मैंने भी कभी की होगी व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी कि यार हम सोचते हैं, वी थिंक कि आइसोलेट करके अकेले बैठ के पढ़ेंगे, वी विल बी एबल टू फोकस मोर. बट दैट इज ओनली फॉर अ शॉर्ट रन, नॉट फॉर अ लॉन्ग रन, कि एक साल के लिए आपको कंटिन्यू कर पाओ. एग्जैक्टली, बिकॉज ये यूपीएससी से भी ये सब ऐसे एग्जाम है कि बहुत लॉन्ग जर्नी. यू नेवर नो कि आप कितना भी अच्छा पढ़ रहे हो, वो एक घंटे आपका क्या पता कैसे जाए. जैसे मेरा एक फ्रेंड था, उसने बहुत अच्छी तैयारी करी थी. आई वुड लाइक टू से दिस, उसने बहुत अच्छी तैयारी करी थी. आइसोलेशन में था वो, तो ही गॉट डिप्रेस्ड. और वो उसकी बहुत अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी वो जो लास्ट प्रीलिम्स वाले डेज थे, ही वॉज नॉट एबल टू स्लीप. सो प्रीलिम्स उसका खराब हो गया और वो फोकस नहीं पाया, कर पाया, क्वेश्चन से अटेम्प्ट नहीं कर पाया क्योंकि सो रहा था पेपर. That happens a lot of times and that is actually a real problem nowadays. Right. Chaliye. So I think we have sent the message that we wanted to send. Tum chartered accountant ho to course ke bare mein to jo bataoge students ke upar se jayega. But I think consistency aur dost, ye do cheeze hain jo bahut important hain when you're preparing for government exam. Thanks a lot Abhishek for coming online and you know, sharing whatever you face, sharing your views about it. Anything that you want to say to the students, to the aspirants? I'll just say that don't lose hope and don't go for shortcuts. Like जिस चीज की जितना रिक्वायरमेंट होती है ना, जितना टाइम लगता है उतना लगेगा ही. देयर वाज अ डायलॉग इन अ फिल्म कि यू कैन नॉट प्रोड्यूस अ बेबी बाय मेकिंग प्रेग्नेंट 3 वुमेन फॉर 3 मंथ्स. यू नो, एक चीज को करने के लिए अगर बेबी को प्रोड्यूस होने के लिए 9 मंथ लगता है तो लगेगा. किसी भी चीज को जितना रिक्वायर्ड टाइम है वो लगेगा. तो जस्ट डोंट बी इन हरी. Give yourself time, give your thing time, your success will definitely come to you. चलो बहुत अच्छा, काफी फिल्मी लग रहे हो और इस फिल्मी नोट के साथ ही खत्म करते हैं. All the best for your future. Take care. Bye bye. Thank you.